भारत में जब प्लानिंग कमीशन लाया गया था 1951 में, तो भारत के जितने भी स्टेट हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए नीतियां बनाने के लिए लाया गया था। तो 51 से 56 तक पहला चला था, 56 से 61 तक दूसरी थी प्लानिंग कमीशन, 61 से 66 तक तीसरी थी। लेकिन तीसरी होने के बाद भारत में करीब हमारे देश में हम युद्ध हार चुके थे उस समय, और हमें बहुत सारा नुकसान हो गया था, हमारे यहाँ खाने के लिए लोगों के पास नहीं थे। तो उस समय हमने तो प्लानिंग को कैंसिल कर एनुअल प्लान बनाने की सोची, एक एक साल का प्लान, ताकि टारगेट ओरिएंटेड हो, जल्दी हो जाए। तो जब एक साल की प्लानिंग आई तो हमें लगा कि एक साल की प्लानिंग में हम जल्दी जल्दी कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह 3 साल बीत गए, हम कामयाब नहीं हुए। 69 आ गया, इंदिरा गांधी जी, शक्ति उनके हाथों में आ चुकी थी, देश अब उनके हाथ में था। तो उन्हें लगा अब वो कुछ नया कर सकती हैं, तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उस समय वो बहुत प्रचलित नेता थी, पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में हो चुकी थी। एम भंकार नायडे श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उसके बाद दूसरी कोई थी तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो चौथा प्लानिंग कमीशन 1969 से 74 तक गया, जिसमें गरीबी हटाने जैसे मुद्दे, समाजवादी विकास, इन सब के मुद्दे आए। इसके बाद पांचवा 1974 से 1979 तक लाया गया,